उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि देश के बड़े मंदिरों की तर्ज पर प्रदेश के सभी मंदिरों का कायाकल्प होगा और सभी शक्तिपीठों तथा प्रमुख मंदिरों को बसों के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। श्री नैना देवी में एक कार्यक्रम में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मंदिरों के विकास के लिए एक योजना तैयार कर रही है, जिसमें श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे पूर्व मुकेश अग्निहोत्री ने श्री नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और माथा टेका। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में श्री नैना देवी मंदिर न्यास की ओर से 2 करोड़ रुपए और बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास की ओर से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विकास में पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। खोल के दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ रुपए दिए हैं। बीते रोज जो है हमारे राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों ने 2 करोड़ रुपए दिए और माता रानी के दरबार से आप लोगों ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं। जगह जगह से लोग जो है अपने वेतन में से पैसा दे रहे हैं और पूरे देश के जो लोग हैं वो अपना मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आपदा से राज्य में अभी तक 8000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। इसमें से अकेले 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान जल शक्ति विभाग को हुआ है। इस बीच मुकेश अग्निहोत्री ने आज कांगड़ा जिला के बाढ़ग्रस्त मंड क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान पौंग बांध के पर्यटक हट में आयोजित अधिकारियों की बैठक में अग्निहोत्री ने उन्हें जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नुकसान की जल्द रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के भी आदेश दिए, ताकि प्रभावितों को जल्द मुआवजा मिल सके। उन्होंने आपदा की इस घड़ी में सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से दूर रहने की भी सलाह दी। अकेले डिपार्टमेंट को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, फिर भी हमारे लोगों ने जान हथेली पे रख के पूरे प्रदेश में पानी बहाल किया हुआ है और उसके लिए मैं तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको दाद दूंगा कि चीफ इंजीनियर से लेके एससी एक्सियन देखिए, इसमें आपदा चल रही है। हम ध्यान भटकाना नहीं चाहते, हम किसी भी ऐसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। इसके बाद विधानसभा सत्र होगी, किसने क्या काम किया सारा सामने आ जाएगा।